कोई मसाला नहीं, कोई बहुत खड़े मसाले नहीं, कोई गरम मसाले नहीं, सिंपल एंड यमी टेस्टी मस्टर्ड फिश इज रेडी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल निनीज नेस्ट। मैं हूँ निनी अरोड़ा, फैशन स्टाइलिस्ट एंड अ ब्यूटी एक्सपर्ट एंड आल्सो एक्सपर्ट इन सम कुकिंग आल्सो। सो आज बनाते हैं फिश मस्टर्ड विद निनी एंड विद निनी स्टाइल। सो स्टे ट्यून्ड। मस्टर्ड फिश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 8 से 10 पीस फिश के लिए हैं। बड़े साइज़ की फिश होनी चाहिए। आप ये मैंने रेहू फिश ली है, आप चाहें तो कोई भी फिश ले सकते हैं। बोनलेस फिश भी इस्तेमाल की जा सकती है इस रेसिपी के लिए। नमक और हल्दी लगा के फिश को 10 मिनट के लिए छोड़ दें इसे। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स के लिए हैं। देखिए मस्टर्ड सीड्स ऐसे होते हैं। और साथ में थोड़ा सा लहसुन लिया है और कुछ हरी मिर्चें और आधा कप दही। इन सबको आपस में मिला के पीस देना है। मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए अच्छे से। ये मैंने ये जो पेस्ट तैयार किया है, ये मस्टर्ड सीड्स, दही, हरी मिर्च और लहसुन और धनिया की पेस्ट मैंने तैयार की है। और अगर इन केस आपके पास धनिया नहीं है तो आप धनिया की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि धनिया की चटनी में भी धनिया का टेस्ट अच्छा डेवलप हो जाता है। तो मस्टर्ड फिश बनाने के लिए, उसके मसाले के लिए हमने यहाँ पर 4 से 5 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, और उनको आप 4 हिस्सों में काट लें और उसके बाद उसके इस तरीके के पीसेस को अलग कर लें इस तरीके से। ये 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और मैंने उसको मिक्सी में क्रश कर लिया है, पेस्ट बना लिया है उसका। इसको मैं मसाले में यूज़ करूँगी अभी। फिश को अच्छे से लाल कर लेना है ताकि वो अच्छे से पक जाए। टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए सो दैट उसका एक्सेस ऑयल टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। जिसमें मैंने फिश फ्राई की थी फ्रेंड्स, वो तेल थोड़ा सा बच गया है। तेल आपको उतना ही लेना है जिसमें फिश भी तल जाए और उसके बाद हम उसमें हम मसाला भी तैयार करेंगे। तो अब ये तेल गर्म ही है और इसमें मैं जो मैंने ये कटे हुए प्याज थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। प्याज को थोड़ा सॉटे करने के बाद हमने ये अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डालेंगे। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये मस्टर्ड फिश, और बहुत खाने में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। दो से तीन मिनट इसको अच्छे से पका लें जो मैंने अदरक की पेस्ट इसमें डाली थी। अब इसमें मैं ये पेस्ट डालने वाली हूँ जो मैंने बनाई थी अभी मस्टर्ड सीड्स के साथ और दही के साथ।
तो फ्रेंड्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें मेरे आने वाले वीडियोस के। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भूनना है। देखिए कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है और कलर के साथ साथ इसमें अदरक और लहसुन की खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग गई है। और अब हम गैस को सिम करके इसको हम ढक देंगे। देखिए 5 मिनट के बाद देखिए ये मसाले ने अब तेल छोड़ दिया है और बहुत अच्छे से अदरक लहसुन का जो था इसमें फ्लेवर मिक्स हो गया है और मस्टर्ड सीड्स का फ्लेवर बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है इसके अंदर। और अब हम इसमें मिलाने जा रहे हैं नमक और लाल मिर्च। लाल मिर्च आपको अपने हिसाब से मिलानी है बिकॉज इसमें हमने हरी मिर्चें मिलाई हुई हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही लाल मिर्च मिलाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें नमक मिला रही हूँ और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही मिलाना है आपको, जैसा टेस्ट आपको पसंद हो। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च भी ले ली है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक को बड़े ध्यान से आपने डालना है बिकॉज हमने जो फिश पहले हमने जो मैरिनेट की थी उसमें भी हमने नमक लगाया था, तो इसलिए आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ही नमक डालेंगे, बाद में आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को बढ़ा सकते हैं। थोड़ी देर चल इसको 1-2 मिनट चलाने के बाद आप फिर से इसको ढक देंगे। अब देखिए ये फिश डालने का टाइम हो गया है इसमें और अब हम इसमें फिश डालने जा रहे हैं जो हमने फ्राई की थी फिश। सारी फिश हम एक एक करके डाल देंगे और तेज आंच पे कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको लगे कि मसाला ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप थोड़ा सा आधा कप पानी भी डाल सकते हैं उसको थोड़ा सा पतला करने के लिए, क्योंकि फिश तली हुई है और फिश पानी को एब्जॉर्ब करेगी। तो अभी हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे ढकने के साथ और सिम आंच पे, धीमी आंच पर हम 10 मिनट तक अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए हैं और ये हमारी फिश रेडी हो गई है। बहुत अमेजिंग कलर आया है इसके अंदर और मस्टर्ड सीड्स का इसके अंदर टेस्ट बहुत ही यमी होता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको घर पर। बहुत इजीली बनी है ये, आपने देखा कितने इजी प्रोसेस था इसको बनाने का। कोई मसाला नहीं, कोई बहुत खड़े मसाले नहीं, कोई गरम मसाले नहीं, सिंपल एंड यमी टेस्टी मस्टर्ड फिश इज रेडी। So, yummy fish is ready. गरम गरम रोटियों के साथ खाइए इस टेस्टी यमी फिश को।